अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल आपका केके न्यूज में स्वागत है। प्लास्टिक के कचड़े से बना वाटर, ए फायर फूड मकान, कीमत भी कम और उम्र भी लंबी। 2 साल पहले एक बैल के पेट में ऑपरेशन कर प्लास्टिक के ढेर सारे कचड़े को निकालने वाले वीडियो ने हैदराबाद के प्रशासक लेगम व उनकी पत्नी अरुणा को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली कि प्लास्टिक के कचड़े का इस्तेमाल मकान से लेकर फुटपाथ तक बनाने में कर समाज के सामने उदाहरण पेश किया। ऐसी आई तरकीब दुनिया भर में समस्या बनी। प्लास्टिक के कचड़ों को रिसाइकलिंग कर इसका इस्तेमाल इन्होंने घर व अन्य स्ट्रक्चर बनाने में किया। एंटरप्रेन्योर दंपति प्रशासक लिंक व उनकी पत्नी अरुणा के पास घरों के डिजाइन करने वाला लंबा अनुभव है। 2017 में उन्होंने एक वीडियो देखने के बाद यह फैसला लिया। दरअसल वीडियो में एक बैल के पेट का ऑपरेशन कर प्लास्टिक को हटाया जा रहा था। इसे देख दंपति भयभीत हो गए और तभी उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया, इस वीडियो को देख हम भयभीत तो हो गए, तब हमने इस विषय पर रिसर्च शुरू कर दिया। हैदराबाद में पहला प्लास्टिक का मकान, लिंगम के हैदराबाद उपल में 800 वर्ग फीट का पहला मकान बनाया। इस मकान को बनाने में 7 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। लिंगम ने बताया, इतना प्लास्टिक जलने से बच गया और इसका इस्तेमाल नए मकान को बनाने के लिए किया गया। प्लास्टिक के मकान की 40 से 50 साल इसे लेकर लोगों के बीच शंका है कि, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये ईट व मोर्टर के मकानों जितना ही अच्छा है, जहां कंक्रीट के मकानों को बनाने में 40 लाख रुपए का खर्च आता है, तो वहीं प्लास्टिक के मकान में 700 रुपए प्रति वर्ग फीट का खर्चा होगा। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक का मकान आग, गर्मी और जल रोधक, इसीलिए यह 40 से 50 साल तक आसानी से चल सकेगा। लिगम को तेलंगाना सरकार व ग्रेट हैदराबाद निगम की ओर से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ स्कूलों की ओर से भी बेंच बनाने का डिमांड आ गया है। भारत में 11 राज्यों ने प्लास्टिक पर पूरी तरह या आशंकित रूप से बैन लगा रखा है। हालांकि देश में यह प्रतिबंध लागू करने का काम आसान नहीं है। प्लास्टिक का विकल्प, उन्होंने आगे बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। देश के नागरिक के तौर पर हमें कुछ करना होगा। हमें प्लास्टिक के लिए विकल्प खोजना होगा। जूट, बंबू और कॉटन में हमें इसके विकल्प मिल जाएंगे। हमने बनाया प्लास्टिक को समस्या। लेकिन का कहना है कि प्लास्टिक हमारे लिए इतना उपयोगी है कि इस पर प्रतिबंध लगाना काफी कठिन कार्य होगा। दूसरे शब्दों में अगर ऐसा कहें कि यह हमारे रोजमर्रा के कामों का अभिन्न अंग है, तो कहीं गलत नहीं होगा। लेगन ने बताया, ये काफी बेहतर और उपयोगी खोज है और इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। वास्तव में इसे समस्या हमने बना दिया है। जिस तरह से हम इसका दुरुपयोग करते हैं, इसका रिसाइकलिंग भी मुश्किल है, दी ये सलाह। लेगन ने कहा, हर जरूरतों के लिए लोगों ने प्लास्टिक बैन का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। शैम्पू के छोटे छोटे पाउच की जगह बड़े बड़े पैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक फ्री सोसाइटी का निर्माण हम 2 तरीकों के साथ कर सकते हैं। पहला, प्लास्टिक के उपयोग में कटौती, और दूसरा, इसका पूर्ण इस्तेमाल कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।